अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइड बल्ब के बारे में जो अपने विजुअल डिज़ाइन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है। तो चलें उसको रन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट का नेम। टेंडिस्ट को कर लेते हैं। यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे, उसके बाद ये चेक करेगा, देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से आप कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि पे स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली और AMP गूगल। अगर ये डाटा आप शो कराना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं, HTML का या क्रोम का, और आगे बताया गया है कि उनके क्या फ़ायदे नुकसान आते हैं। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेबसाइट क्रॉल करे साइट मैप को या आप उसे URL लिस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद स्टार्ट ऑडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसने अब वेबसाइट की क्रॉल स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम लगेगा इसे टोटली क्रॉल करने में। ऑडिट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऑडिट का स्कोर आ रहा है, SEO स्कोर, सिक्योरिटी स्कोर, तो ये तीनों मेन चीज़ें हैं। उसके बाद ये क्रॉल डेप्थ है, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल और ये 3rd लेवल। और 3rd लेवल के आगे कोई नहीं चीज़ जा रही, मतलब इन्होंने एक बड़ा परफेक्ट सिस्टम बनाया हुआ है। क्रॉल डेप्थ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा और ये बहुत काम की चीज़ होती है अगर इसको हम मास्टर कर लें तो। ये URL स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और ये भी एक्सटर्नल। अच्छा, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। अच्छा, उसके बाद ये HTTP स्टेटस कोड, इसका तो पता होगा आपको। और उसके बाद ये दोबारा URL डेप्थ। उसके बाद कंटेंट टाइप में HTML फाइल्स कितनी हैं, इमेजेस कितनी लोड हो रही हैं, जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट। उसके बाद इंटरनल सेक्शन, इंटरनल में ये HTTP स्टेटस कोड, उसके बाद प्रोटोकॉल्स, मतलब HTTP या HTTPS, पेजिनेटेड पेजेस, ये वो जो 1, 2, 3 होते हैं। उसके बाद क्रॉल सोर्स, मतलब ये पेजेस कहाँ से क्रॉल किए गए हैं और ये क्रॉलर से किए गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये HTML के पेजेस, अच्छा उसके बाद लिंक्स, ये जो सक्सेसफुल हैं, जो ब्रोकन हैं, जो रीडायरेक्टेड हैं, एरर, फॉरबिडन, etc। ये इंटरनल सेक्शन है और ये एक्सटर्नल सेक्शन है। उसके बाद उनकी क्रॉल डेप्थ और वो इंटरनल लिंक्स की लोकेशन कौन कौन सी है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हेडर में इतने लिंक्स हैं और नेविगेशन में इतने हैं, फुटर में और कंटेंट में। उसके बाद हम जाएंगे इंडेक्सिबिलिटी, कितने पेजेस इंडेक्सेबल हैं और कितने पेजेस को नो इंडेक्स किया गया है। और एक पेज को नो इंडेक्स किया है वो है डिस्क्लोजर का। उसके बाद रीडायरेक्ट्स, तो 28 एक्सटर्नल रीडायरेक्ट्स हैं। उसके बाद ऑन पेज SEO,
इसमें रीडेबिलिटी आ रही है, फिर ये सेंटीमेंट, ये टाइटल लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये उनकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब रेड का मतलब है जिन पेजेस में मिसिंग है, और ग्रीन का मतलब है जिनमें एक है। अगर येलो होते तो वो मोर देन वन होने थे। उसके बाद ये H1 हेडिंग्स, और ये किन पेजेस पे है, किन पेजेस पे मिसिंग है, और किन पेजेस पे एक से ज़्यादा है। साथ में इन सब के हिंट्स भी दी गई हैं, इश्यूज SEO वगैरह के जो हैं वो, जिन्हें आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब किन पेजेस में डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है। तो ये देखें, ये पेजिनेटेड पेज डिज़ाइन में डुप्लीकेट कंटेंट है। उसके बाद सिक्योरिटी के इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज, मिक्स्ड कंटेंट है, HTTP के रिसोर्सेज लोड हो रहे हैं, और इस तरह करके ये दूसरे भी कुछ इश्यूज हैं। उसके बाद ये सारे पेज रिसोर्सेज, URL एक्सप्लोरर, ये जितने भी HTTP हैं वो सारे दिखा रहा है। उसके बाद लिंक एक्सप्लोरर, इंटरनल लिंक्स, सक्सेसफुल, नॉट क्रॉल्ड, फिर उनके एंकर टेक्स्ट कौन कौन से हैं, फिर एक्सटर्नल, और ये सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी क्रॉल मैप, ये सारा स्ट्रक्चर दिखाता है वेबसाइट का। क्रॉल ट्री, इस तरह करके ये काफ़ी ज़्यादा विजुअल्स हैं। और ये अगर आपने रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो तो वो कर सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद बल्क एक्सपोर्ट में आप ये चीज़ें एक्सटर्नल URLs वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आता है XML साइट मैप जनरेटर, अगर आपने इस पूरी वेबसाइट का साइट मैप क्रिएट करना हो तो उसके लिए, और अगर आपने डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट गूगल ड्राइव में अपलोड करनी हो तो उसके लिए ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको साइट बल्ब की भी समझ आ गई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसकी हर एक चीज़ समझाने की। अगर कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।